चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं। हमने मैमरी ग्लैंड देख लिया था बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लिए थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अपन लोगों ने देख लिए थे। अब अपन आज देखने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस में अपन को दो चीज़ें देखनी है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे और ओजेनेसिस देखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन और ओजेनेसिस मतलब ओवम का फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे, समझते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बेटा, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, आपको पता होगा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल में क्या होते हैं बेटा, मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बेटा वो क्या होते हैं, आपको सभी को पता है, कलर चेंज कर लेता हूँ। टेस्टिस होते हैं बेटा मेल, मेल में क्या होता है बेटा टेस्टिस, और ओवरीज होते हैं बेटा फीमेल। इन दोनों का काम क्या करना है बेटा, गैमिट प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल में होते हैं ना टेस्टिस, वो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, और जो ओवरी होती है ना बेटा वो ओवम को प्रोड्यूस करती है। समझ में आई बात, ये हमने पढ़ा था। और इस पूरी प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस है। ठीक है, तो क्या कहेंगे बेटा, अगर ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा गैमिट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ऐसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिनके द्वारा जो गैमिट उनका प्रोडक्शन होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब समझिएगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन याद रहेंगे कौन कौन से है बेटा, मेल में कौन से बेटा टेस्टिस, और फीमेल में बेटा ओवरीज, ये हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम टेस्टिस की बात करें तो प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है बेटा, टेस्टिस प्यूबर्टी के टाइम पर टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल होती है। क्या होती है बेटा, इमेच्योर मेल जर्म सेल होती है। टेस्टिस में क्या होती है, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती है। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। इमेच्योर मेल जर्म सेल को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या काम करती है, ये करती है प्रोड्यूस्ड स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं। बात समझ में आई, मेल में बेटा टेस्टिस, समझिएगा, फीमेल में ओवरीज। जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओवरीज हैं बेटा वो ओवम का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये दोनों कौन से हैं, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। कौन है बेटा, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है इनको कौन कर रहा है, ठीक है। तो टेस्टिस में काम कौन करता है, इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है बेटा, स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करती है, स्पर्म को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको क्या कहेंगे बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए, सेमनी फेरस ट्यूब्यूल होती है हमारे पास, क्या होती है बेटा, एक हमारे पास सेमनी फेरस ट्यूब्यूल होती है। ठीक है, अब इसकी जो इनर वॉल होती है, सेमनी फेरस ट्यूब्यूल की जो इनर वॉल है, इनर वॉल में होते हैं बेटा स्पर्मेटोगोनिया। क्या होते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया में होता है बेटा सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम। क्या होता है उसमें, सिंगल स्पर्मेटोगोनियम। तो ये बेटा देखो स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, और ये कैसा है बेटा, ये सिंगल, ठीक है। क्या होता है इसमें, सिंगल स्पर्मेटोगोनियम होता है, ठीक है। अब ये माइटोटिक डिवीजन होता है, इसमें माइटोटिक डिवीजन के द्वारा क्या होता है, इनकी संख्या में बढ़ती है। माइटोटिक डिवीजन होगा तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए ये बढ़ती चली जाएगी, ये संख्या, ये माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये संख्या बढ़ेगी। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होती है हमेशा माइटोटिक डिवीजन। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बात की, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और ओवरीज, ओवरी ओवम को प्रोड्यूस करती है, टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, गैमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके द्वारा होता है, वो बेटा होता है इमेच्योर मेल जर्म सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स के द्वारा, जिनको क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब यही स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाती है, जब स्पर्म सेल का प्रोडक्शन करती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है बेटा, ये सिंगल स्पर्मेटोगोनियम होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंगल स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की इनर वॉल पर प्रेजेंट होते हैं, ये इनर वॉल,
ठीक है बेटा, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है और ये इसकी इनर वॉल पे, इनर वॉल पे ये इसकी क्या है बेटा, इनर वॉल पे ये प्रेजेंट है, ये सब अंदर की तरफ क्या है, ये प्रेजेंट है। अब इसमें होता है बेटा माइटोटिक डिवीजन, क्या होता है बेटा माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन का मतलब अब इनमें संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा क्या होता है, इनका नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये क्या होता है बेटा, डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, ये क्या होता है हमेशा हमेशा ये 2n होता है, ठीक है, ये डिप्लॉयड होता है। इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर ह्यूमन की बात पूछी जाए इसमें कितने क्रोमोसोम्स, तो इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया में टाइम टाइम पर मियोसिस भी होती है, जिसको प्राइमरी क्या कहेंगे, जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। अगर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है तो क्या हो गया बेटा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगी बेटा, मियोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, यहाँ भी ये 2n होगा। और अगर इसमें हो जाएगी मियोसिस, इसमें हो जाएगी मियोसिस, तो जहाँ से भी बेटा सेकेंडरी टर्म का इस्तेमाल होगा इन सब में, अब आगे जाके जो पॉलीप्लॉइडी है वो बेटा सिर्फ एन हो जाएगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एन, तो 2n से एन। तो याद रखिएगा जहाँ प्राइमरी टर्म इस्तेमाल होता है वहाँ होते हैं क्रोमोसोम्स 2n, ठीक है, और जहाँ पर सेकेंडरी टर्म का इस्तेमाल होता है वहाँ पर होते हैं बेटा एन। तो कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जब फर्स्ट टाइम पे मियोटिक डिवीजन पूरा करके क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम पे ये अपनी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, जो प्राइमरी बेटा क्या है, स्पर्मेटोसाइट्स हैं, जब फर्स्ट क्या कर लेती हैं ये अपना मियोटिक डिवीजन पूरा करके दो इक्वल हाफ सेल बनाती हैं, क्या बनाती हैं बेटा, ये टू इक्वल हाफ सेल्स बनाती हैं जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ये क्या बना देती हैं, ये टू सेल बना देती हैं, देखिए ये टू, ये क्या कहलाती है बेटा, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती है। ये देखिए यहाँ पर टू टू बना दे रही है ना, ये हाफ हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बना देती हैं, तो टू इक्वल क्या बनाती हैं, इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाती हैं जिन्हें बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स किससे बनता है, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, ठीक है, क्या होगा बेटा, मियोटिक डिवीजन होगी पूरा करके दो इक्वल हाफ सेल बना देंगे, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे, जिन्हें क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी, इनमें हमेशा क्रोमोसोम की संख्या बेटा होगी एन, ये क्योंकि मियोसिस के द्वारा बने, इनमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी हाफ, ठीक है, 2n से n हो रही है, मतलब मियोसिस हो रहा है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा बनते हैं, यहाँ पर मियोटिक डिवीजन होती है, मियोटिक डिवीजन होती है, ठीक है, मियोटिक डिवीजन के द्वारा क्या बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी, 23, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम की संख्या कितनी, 46, स्पर्मेटोगोनियम में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी, 2n, मतलब 46, ठीक है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या होगा, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगा, इसके द्वारा क्या बनेंगे, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे, क्या बनेंगे, ये स्पर्मेटिड्स बनेंगे, कितने बनेंगे, 4, तो 4 इक्वल बनेंगे, ठीक है। तो स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर होना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस बाद में क्या हो जाएंगे बेटा, स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में जब जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस, क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। बात दोबारा सुन लीजिए, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के इनर वॉल, इनर वॉल में क्या प्रेजेंस होते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम हमेशा होता है बेटा सिंगुलर, माइटोटिक डिवीजन होगी, इनमें नंबर ऑफ, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा इनके नंबर बढ़ेंगे, देखिए नंबर बढ़ गए, ठीक है, ये सारे नंबर बढ़ते चले गए। अब ईच स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है, 2n होता है बेटा, और उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं 46। कुछ स्पर्मेटोगोनिया में टाइम टाइम पर मियोसिस होने लगेगी, क्या होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्या बनेगा, ये बनेगा मियोसिस, मियोसिस के द्वारा बनेगा इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, क्या होगा इसमें, मियोसिस होगी, मेरा मियोसिस के द्वारा क्या बनेगा इसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा बेटा, समझ गया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया में टाइम टाइम पर मियोसिस होगी जिसके द्वारा बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेंगे, मियोटिक डिवीजन पूरा करके
करके क्या बनाएंगे, टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ स्पर्मेटोगोनिया में, मैंने क्या बताया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया में, यहाँ पर आपको बताते हैं, देखिए कुछ स्पर्मेटोगोनिया में क्या हो रहा बेटा, टाइम टाइम पर होगी मियोसिस, क्या होगी, कुछ में, सभी में, सब में होती है, सब में नहीं होती, कुछ में, सम स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस के द्वारा क्या बनेगा बेटा, इसमें इसमें बनेगा प्राइमरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, ये अपने मियोटिक डिवीजन को पूरा करेंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ पर होगी मियोटिक फुल, और जैसे ही मियोटिक फुल हो जाएगी तो टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स क्या बना देंगे, ये टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, जिनको क्या कहेंगे, इन्हीं को कहेंगे आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इनको क्या कहोगे आप, इनको कहोगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इनको क्या कहोगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम्स पूछे हैं तो उसमें हो जाएंगे बेटा एन, ठीक है, और इसमें होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन, फिर इसमें क्या होगा, इसमें होगा सेकेंड मियोटिक होगी, और सेकेंड मियोटिक होके क्या बन जाएगा बेटा, इसमें हो जाएगी सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है, इसके द्वारा बन जाएंगे फोर, फोर इक्वल हैप्लॉइड स्पर्म, तो क्या बन जाएंगे, फोर हैप्लॉइड, क्या बनेंगे, फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। स्पर्मेटिड्स का क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ में, और ये स्पर्मेटिड्स क्या हो जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ में बेटा ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। यही क्या कहलाएगा, यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। बात समझ में आ गई, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ये जो फोर स्पर्मेटिड्स बने, ये कितने बने, फोर स्पर्मेटिड्स बने, इनका ट्रांसफर होगा स्पर्मेटोजोआ में, और सेकेंडरी में कितने बने थे बेटा, ये जो स्पर्मेटोसाइट्स के द्वारा, ये बने थे बेटा टू, सेकेंडरी में कितने बने थे, टू, या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स होती है, तो यहाँ बने थे टू, यहाँ पर बने चार, और बाद में किसमें ट्रांसफर होगा, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, और यही यही स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता, ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म, ठीक है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। लेकिन आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद क्या होती है, स्पर्म सेल जो होती है, क्या होती है बेटा, स्पर्म सेल होती है, वो बिकम एम्बेडेड हो जाती है इन द सर्टोलाइज सेल्स, ये क्या होती है, सर्टोलाइज सेल्स में एम्बेडेड हो जाती है, क्या हो जाती है, क्या बन जाती है, इस सर्टोलाइज सेल में एम्बेडेड हो जाती है, ठीक है, और फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब समझो मेरी बात, आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आए, अब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, जैसे स्पर्मेटोजोआ बना तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो आपका स्पर्म का हेड है वो सर्टिलाइज सेल्स में क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, अंदर धस जाता है, ये स्पर्म का हेड है ना, ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये धस जाएगा, ठीक है, ये फाइनल धस जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इसमें स्पर्मिएशन के द्वारा स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है, क्या होता है, और लास्ट में फाइनली स्पर्मिएशन के द्वारा स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रिलीज होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हो जाती है बेटा, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। अब क्योंकि इस दौरान क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको GRH कहते हो आप, क्या होता है इस समय जो गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन है, इसको आप GnRH या GRH कहते हो, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, ठीक है,
ठीक है, इसकी सिक्रीशन काफ़ी बढ़ जाती है। तो क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रॉपिक रिलीज हार्मोन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के समय पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्यों स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन काफ़ी बढ़ जाता है। प्यूबर्टी टाइम पे क्या होता है, गोनेडोट्रॉपिक रिलीज हार्मोन का सिक्रीशन काफ़ी बढ़ जाएगा। तो आप क्या करोगे, आपको पता ही है कि ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, GnRH कैसा हार्मोन है, ये एक हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन है। तो बढ़ा हुआ जो GnRH है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। तो क्या होता है, जो बढ़ा हुआ GnRH है वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है। क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है और दो गोनेडोट्रॉपिक LH और FSH के सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है। और क्या करता है, ये दो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, LH और FSH की सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है, उसकी सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करेगा, ठीक है। अभी LH है, LH हार्मोन है, ये लीडिंग सेल पे काम करता है। LH हार्मोन है किस पे काम करता है, लीडिंग सेल पे, याद रखिएगा LH है ये हमेशा लीडिंग सेल पे काम करता है, ठीक है, लीडिंग सेल पे काम करता है। और क्या करता है, एंडोजन की सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है। और ये क्या करता है, ये एंडोजन की सिक्रीशन और उसकी सिंथेसिस को स्टिम्युलेट करता है, ठीक है, उसकी सिंथेसिस उसको स्टिम्युलेट करता है। और एंडोजन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, और जो एंडोजन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को वो स्टिम्युलेट करता है। और एंडोजन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिम्युलेट करता है। हमारी बात समझ में आई, जो LH है ये लीडिंग सेल पर काम करता है और एंडोजन की सिंथेसिस और सिक्रीशन को क्या करता है बेटा, ये स्टिम्युलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो एंडोजन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिम्युलेट करता है और FSH है ना वो सर्टिलाइज सेल्स पर, ये जो FSH है ये सर्टिलाइज सेल्स पर काम करता है। FSH किस पर काम करता है, FSH सर्टिलाइज सेल पर काम करता है, ठीक है। और कुछ फैक्टर के सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में सहायता करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ऐसे फैक्टर्स के सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है। बात समझ में आई, गैमेटोजेनेसिस समझ में आया, मैंने क्या कहा, अब मेरी तरफ देखो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मैंने क्या कहा, ध्यान से एक बार मेरी तरफ देखिए, मैंने दो चीज़ें कही, एक सेकंड बच्चों, देखिए मैंने कुछ बात कही, मैंने क्या कहा, जो प्राइमरी, मेरी तरफ देखिए और अपनी कॉपी बुक को देखिए, दोनों काम कर सकते हो, मेरी तरफ देखिए और अपनी बुक को भी देखिए, कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको थोड़ा सही कर लेते, ठीक है। अब देखिए मेरी साइड देखिए, मैंने कहा कि प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है वो मेल में है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी, ठीक है। अब इन्हीं के द्वारा गैमेटोजेनेसिस के द्वारा इनसे गैमेट का प्रोडक्शन होता है, टेस्टिस से बनता है स्पर्म और ओवरी से प्रोड्यूस होता है ओवम। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस होते हैं, एक होती है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी होती है ओजेनेसिस। हमने बात की अभी स्पर्मेटोजेनेसिस की, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में कहा कि प्यूबर्टी के टाइम पर टेस्टिस में जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होते हैं, जिनको बेटा आप स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म प्रोड्यूस करती है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन कौन कर रहा, स्पर्मेटोगोनिया, कौन कर रहा, स्पर्मेटोगोनिया, किस प्रोसेस के द्वारा, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा, क्या प्रोड्यूस कर रही है, स्पर्म। दूसरी बात समझो, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की जो इनर वॉल होती है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई थी, ठीक है, इनर वॉल होती है, इसकी इनर वॉल में होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बेटा होता है इनमें सिंगल स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है। अब ये माइटोटिक डिवीजन के द्वारा क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाना शुरू करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, जब ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं काफ़ी हो जाती है,
एक बात है, हर स्पर्मेटोगोनिया ये जो है ना, ये बेटा स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है, और इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो 46 होते हैं। तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया में टाइम टाइम पर होती है बेटा मियोसिस। क्या होती है बेटा उसमें, उसमें टाइम टाइम पर होती है बेटा मियोसिस। और जब बेटा उसमें मियोसिस होगी, जब उसमें मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है इससे, किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। आज कैमरा बड़ा दिक्कत कर रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का होता है बच्चों फॉर्मेशन। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो, जब हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का कर लिया फॉर्मेशन, अब क्या होगा, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, अगर पूछें कि यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, तो यहाँ पर भी बेटा 2n होती है, ठीक है। अब कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में पहला मियोटिक डिवीजन होगा, और वो मियोटिक डिवीजन जैसे ही पूरा होगा उसमें दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, और वो टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे उसको क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब सेकेंडरी, जहाँ पर भी सेकेंडरी टर्म लग जाएगा वहाँ क्रोमोसोम्स का नंबर हो जाएगा हाफ, हमेशा याद रखिए, कहीं पर भी सेकेंडरी टर्म लगा रहे तो वहाँ पर हो जाएगा उसका हाफ, ठीक है। अब क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी यहाँ पर एन, मतलब 23 रह जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन होगा, क्या होगा इसमें, अब एक सेकेंडरी पूछा जाएगा प्राइमरी म्यूटिक डिवीजन क्या हुआ, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हुआ था उससे बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन होगा, और जब इसमें सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन तो बनेंगे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, क्या बनेंगे, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब बेटा जब स्पर्मेटिड्स बनेंगे, इन स्पर्मेटिड्स का ही स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर होगा, स्पर्मेटिड्स में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछे हैप्लॉइडी पूछे तो एन होगी, और यही स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे या ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। यही ट्रांसफॉर्म होना स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होना ही स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। अब समझिए, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का हेड है वो सर्टोलाइज सेल्स में एम्बेडेड हो जाएगा या उसके अंदर धस जाएगा या घुस जाएगा, ठीक है। और बाद में फाइनली क्या होगा, लास्ट में स्पर्मिएशन के द्वारा जो स्पर्म है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में रिलीज हो जाता है, क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर चला जाता है, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में क्या होता है, वो वहाँ पर रिलीज हो जाता है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से क्या हो जाता है, बाद में वो रिलीज हो जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती है, एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। क्योंकि इस दौरान क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन काफ़ी बढ़ जाता है, GnRH हार्मोन जिसे कहते हैं, उसका सिक्रीशन काफ़ी बढ़ जाता है। अब अगर उसका सिक्रीशन काफ़ी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन, तो जो बढ़ा हुआ जो GnRH है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा, किस पर काम करेगा, वो बढ़ा हुआ GnRH हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा, और दो गोनेडोट्रोपिन्स एक LH और FSH के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, क्या करेगा, टू गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एक LH दूसरा FSH के सिक्रीशन को क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करने का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझ में आया, जो LH है इसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो LH है, जो LH हार्मोन है, किस पे काम करता है बेटा, वो हमेशा लीडिंग सेल पे काम करता है और एंड्रोजन की सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, स्टिमुलेट हो गया, अब एंड्रोजन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देगा, और जो FSH है वो सर्टोलाइज सेल पे काम करेगा, FSH कहाँ पर काम करेगा, वो सर्टोलाइज सेल पे काम करता है, ठीक है। अब FSH क्या करेगा, जब सर्टोलाइज सेल पे काम करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ फैक्टर के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करेगा जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है, यहाँ तक समझ में। अब चलिए हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या होता है, क्या समझते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को देखेंगे।